हेलो राम राम भाइयों। तो हम चलते हैं फिर, आज तो मैं अपनी नई जगह दिखाते हैं। और गाइस कुछ अलग ही है जो हमारे दोस्तों ने प्लान कर रखा है, लेकिन अभी हमें बताया नहीं। तो हम तुम्हें मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, वहीं सारे मिलने वाले हैं। तो हाय गाइस, मैं मेट्रो स्टेशन पर आ चुका हूँ और मैं मिलवाता हूँ अपने दोनों भाई। मेरे आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर ही, अभी खड़े हैं। तो चलते हैं गाइस। लक्की भाई इधर आओ यार, प्लान बताओ कहाँ चलना है। भाई अभी हमने सोचा है कि पहले जंतर मंतर चले जाएं, यहाँ से जंतर मंतर ही पास में। अभी कुछ खा पी लेते हैं। हाँ पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जंतर मंतर और आपको वहाँ पे चल के जंतर मंतर का एक छोटा सा टूर देते हैं। चलिए गाइस, लक्की भाई ने बता दिया है कि अब हमें जाना है जंतर मंतर जाएंगे गाइस। तो अभी पहले थोड़ा खा पी लेते हैं, खा पीने के बाद गाइस चलते हैं अपने जंतर मंतर। तो भाइयों हम कैंटीन में आ चुके हैं और कैंटीन में हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। अभी खाना वाना आ चुका है और ये देखे अपना लक्की भाई ला रहा है अपना हाथ में। अभी खाते हैं और फिर दिखाते हैं। तो यार मेट्रो में बहुत बड़ी दिक्कत है कि मास्क लगा के ब्लॉक करना पड़ता है। और अभी खाना पीना करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है और हम चलते हैं। हाय ब्रो, तो हम निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन से, निकल चुके हैं अब हम। तो गाइस पैदल ही पैदल हम जा रहे हैं और ये देखिए कपड़ों की मार्केट है और यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े बिक रहे हैं। और ये लक्की भाई है, लक्की भाई भी पैदल चल रहे हैं। टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा। और अपने यशवंत भाई भी टिप टिप करते हुए और धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। और गाइस चलो हंस रे हलकट हंस। पीएम टनल का लॉक खोल कर टेलीफोन चला देता मेरा भाई। तो भाई मजे लेते हुए जा रहे हैं अपने, पैदल यात्रा बढ़िया कट रही है। पहुंचने वाले हैं बस 10 मिनट और, 10 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ ना भाई मैं, पहुँचने वाले हैं 2-3 मिनट में पहुँच लेंगे। और मज़ा आ रहा है यार पैदल चलने में, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। पैदल चलना भी चाहिए, पैदल चलना अपने सेहत के लिए बढ़िया होता है भाई। भाइयों ये कपड़ों की मार्केट आ गई है, अगर लहंगा चोनी किसी भी काई भी लेना हो यहाँ आ जाओ, अपने कैड़ा कड़ा जुगाड़ है, कैड़ा कड़ा हिसाब किताब काफ़ी बढ़िया है। लक्की भाई की टांगों में दर्द हो रहा है क्योंकि रात जिम में जो है थाई मार दी थी और टांगों से चला नहीं जा रहा है, कैड़ा हिसाब किताब कैड़ा ही नहीं होगा। अब यशवंत भाई अभी ना गोदी में उठाने वाले थे, यशवंत भाई उठा लेगा भाई, वो तुमसे हैवी है भाई, वो जिन्नी मारता है उसमें जान पावरफुल है भाई। भाई लोगों को दिल्ली में तो रहते हैं आप लोगों को पता, और आप कमेंट करके बताइए कि अगला ब्लॉग कहाँ का डालना है भाई को। भाई को यार अभी भाई ने नया चैनल स्टार्ट करा तो भाई को पता नहीं है अभी कहाँ से क्या कौन सी क्लिप डालनी है, कहाँ जाना है, अभी भाई को इतनी लोकेशन भी नहीं पता। तो अगर गाइड की जरूरत है, आप लोग कमेंट में जो जो गलती होती है बताते रहना, भाई को सपोर्ट करो और कमेंट में बताते रहो जहाँ जहाँ, अगर तुम्हें कोई बढ़िया सी जगह चाहिए तो हम डाल सकते हैं, जा सकते हैं भाई। टिकट ले चुके हम एक भाई की अब अंदर एंट्री करते हैं, दिखाते हैं तुम्हें अभी। तो भाई एंट्री हो चुकी है हमारी, वेलकम टू जंतर मंतर। आते हैं गाइस अंदर चलकर। तो भाई गाइस लोग खींच गया है, गाइस एंट्री हो चुकी है और चल रहे हैं हम, घूम रहे हैं गाइस। बड़ा ही मजा आ रहा है और बड़ा ही खुश हूँ मैं, आज जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ हूँ भाई। अभी दिखाते हैं आगे चल के, काफी मजा आने वाला है आप लोगों को भी। और यार धूप जो है ना ये सीधा सीधा आंखों पे लग रहा है, इस वजह से आंखें भी नहीं खुली है गाइस। तो गाइस इस पार्क में तो मुझे भाई लेटने का मन चढ़ कर रहा है। तुम भी आओ घूमो फिरो मौज लो भाई। बाकी तुम्हें दिखाई दिया है मैंने क्या क्या सीन है, कैसा कैसा लग रहा है सब चीज देखो। भाइयो मेरा भाई तो बैठ गया, वो बैठा हो रहा है लाल टी शर्ट में, ये थक गया ज्यादा ही, पैदल चलवा दिया, कोई नहीं।
गाइस तो तुम इसमें ये पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ, हमें तो पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाइयों बढ़ते हैं आगे और आए का एरिया दिखाते हैं तुम्हें। बाकी लोकेशन बड़ी जेन्युइन दी लक्की भाई, मौज करती भाई, सही भाई दिल खुश होगा यहाँ आके। भाई भाई पूरा शांत है यहाँ, मामला एकदम कैड़ा है, मतलब आने के बाद दिल खुश हो जाएगा थारा। टिकट भी ज्यादा महंगी क्यों? टिकट भी महंगी ना भाई, 20 रुपए की टिकट है, और ऑनलाइन लोगे तो भाई ऑनलाइन तो मैटर पास ही है, बात खास ही है, इज्जत रास ही है। आगे हम कमरे की ओर ये हो यहाँ भाई, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, और ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई फोटो खींच रहे हैं फुल। कोई टेंशन नहीं है, अगर साथ में तुम्हारे कोई कैमरामैन ना हो, सिक्योरिटी गार्ड हमारे बहुत बढ़िया आदमी है, ये खुद फोटो खींच देंगे थारे। अकेले भी आ सकते हो, मौज ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। आइए सामने पा रहे फुल इंजॉय, फुल मस्ती सामने है, मतलब यहाँ से जब हमने एंट्री करी थी ना, तो वहाँ पर खाने वाने का सारा मैटर है, तो आप चाहो तो वहाँ से खा आ सकते हो, फिर अंदर आना, क्योंकि अंदर खाने का सिस्टम नहीं है, ठीक है। और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, भाई ने ज़रा पेंटर छोड़ रखे, पेंट वेंट हो रहा है, तो ये काम ही ख़त्म होने वाला है, कुछ दिनों में हो जाएगा। तो भाई जंतर मंतर घूम लिए अब हम, अब यहाँ से निकलते हैं हम। तो भाई यहाँ से हम निकलते हैं, बाकी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय हुआ यार, मौज आ गई जो बात है, बड़ा अच्छा लगा। और आप भी आइए यहाँ पर घूमिए, अच्छा लगेगा। ओके अभी मिलते हैं थोड़ी दूर को, मतलब यहाँ से निकलने के बाद मिलते हैं। तो ठीक है, बाय बाय भाइयों, अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं यार, बीच में मेट्रो में हम सीन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पर यार भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही थी और शोर शराबे भी था, तो इसलिए अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं हम तुम्हें मंडे को। हर मंडे ब्लॉग आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लो यार।